नर्मदे हर दोस्तों, आज 5 दिसंबर है और मेरी नर्मदा परिक्रमा का 36वां दिन है। कल मैं रुका था बखतगढ़ में और कल जो है शाम को ही मैंने गुजरात से मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था। और बखतगढ़ जो था, आश्रम जो था, वो बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर और आगे था। तो कल मैं काफ़ी चला हूँ, बहुत ज़्यादा चला हूँ, 40 के ऊपर 41 किलोमीटर लगभग चला हूँ मैं। तो पैरों की हालत तो बहुत पतली है, आज मेरे पैर हड़ताल पर हैं एक्चुअली, तो इसलिए इतनी सुबह भी मैं वैसे नहीं चल रहा हूँ जैसे कि मैं चलता था रोज़। बाकी आप देखेंगे इधर, आपको चारों तरफ पहाड़ नज़र आएंगे, तो इधर भी देखिए। तो ये रास्ता देख रहे हैं, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि इसमें ग्रेजुअल ना थोड़ा सा स्लोप है, तो ये धीरे धीरे करके ऊपर लेके आया है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगी लेकिन है, तो इसीलिए आपको ये पहाड़ दिख रहे हैं। और ये जंगल में ही है, यही जंगल है और इससे ज़्यादा घना जंगल नहीं मिलने वाला है, ये मेरा गैस है। क्योंकि हम ऑलरेडी, मैं जो है कल जब मैं चेक कर रहा था मैप में, तो आज का तो मैं चेक नहीं किया हूँ, तो कल ही मैं मोलगी जो उधर था उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड था, तो नर्मदा जी के 4-5 किलोमीटर दूरी पर उधर मोलगी था, तो नर्मदा जी के 4-5 किलोमीटर की दूरी पर इधर ये जगह थी। अब आज अभी कितना हूँ वो तो मैं देख के बताऊँगा, मे बी जैसे ही ये कट करके दोबारा देखूँगा तो मैं एक बार चेक कर लूँगा। और कल जहाँ रुके थे तो वहाँ पर दो चीज़ें हुई। एक तो जो केयर टेकर थे वहाँ, होस्ट थे या जो भी बोल लीजिए, मुझे तो यही लग रहा था कि उन्हें वो इसके सेवा के लिए रखा गया है, तो सामने एक घर था उसमें रहते थे वो, कुछ लड़के थे, वो खाना वाना बनाया उनने और वो दिया लोगों को जो जैसा खा रहा था। तो उसके बाद में वो आए और सबसे हाथ जोड़ के बोले कि भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भी शौच के लिए बाहर ना जाए, टॉयलेट बने हुए हैं देख लीजिए और पानी है सारा, एक एक करके मैं बता देता हूँ अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, लेकिन कृपया बाहर ना जाए, रोड के किनारे गंदगी ना फैलाएं, बहुत बदनामी होती है। और उन्होंने ये सबसे जा कर बोला, तो ये बहुत अच्छा लगा कि कहीं कहीं लोग वह टॉयलेट होते हुए बंद कर देते हैं, तो कहीं कहीं लोग जो है हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं कि कृपया टॉयलेट का ही यूज करें, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक और चीज़ जो हुई वो ये हुई कि मैं पहुंचा तो ऑलरेडी अंधेरा तो हो ही चुका था, तो उसके आधे घंटे बाद, तो जाते से ही मैं बहुत थका हुआ था, तो मैंने जल्द हाथ मुँह धो के, कपड़े अपने धुलने का तो चांस नहीं था फिर उस वक्त, मैंने अपना आरती बारती पाठ किया और मैं करके निपटाई था, 5-10 मिनट ही हुए होंगे और बत्ती गुल, तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो थी, बिजली महारानी जो थी, वो जा चुकी थी और करीब आधा पौना, हो सकता है वो 1 घंटा भी हो गया हो। तो जब तक वहाँ अंधेरा रहा, इन्वर्टर नहीं था किसी कारण से, हो सकता है भाई ज़्यादा ना जाती हो, ये वन ऑफ इंसिडेंट हो और यह रेगुलर हो, मुझे नहीं पता। तो मुझे लगा कि भाई ये वेलकम टू MP का सिग्नल है, अगर आप बॉर्डर मिस कर दिए हैं, नहीं समझ पाए हैं, वैसे तो कल बॉर्डर मिस और किसी दिन आप आए होते तो आपको पता नहीं चलता बॉर्डर कहाँ है, लेकिन कल क्या है कि पुलिस के अच्छा इंतजाम था, उन्होंने एक तरह से बॉर्डर पूरा सील कर रखा था, क्योंकि आज शायद वहाँ इलेक्शन है गुजरात में, 2nd फेज का या जो भी है, मैं न्यूज़ तो फॉलो करता नहीं हूँ लेकिन ये सब देख के पता चल जाता है। तो वो अलग समझ में आ रहा था कि हाँ ये बॉर्डर है। तो बाकी तो अगर आप मिस कर दिए हैं तो आपको फिर बिजली से पता चल जाएगा कि, ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिजली जाती ही होगी यहाँ पे, ज़्यादा जाती होगी, कम जाती होगी, नहीं जाती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मैं गुजरात में रहा हूँ मैंने कम से कम रात में, दिन में तो देखी है मैंने कि नहीं थी बिजली कहीं कहीं, कभी कभी, लेकिन रात में मैंने एक बार भी ये नोटिस नहीं किया कि इलेक्ट्रिसिटी ना हो। तो कम से कम मुझे तो ये लगा कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छा बंदोबस्त है गुजरात में। अब स्टेट बॉर्डर बदलने से ऐसी चीज़ें कैसे बदल जाती हैं मुझे नहीं पता भाई,
कि समस्याएं आ जाती हैं, मेंटेनेंस होने लगता है, कुछ होने लगता है अगर, तो आई होप कि वन ऑफ इंसिडेंट ही होगा। तो आज मैं आगे जा रहा हूँ और फिर हुआ क्या कि 3 बजे से लोग उठ गए, जो लोग जल्दी आए होंगे शायद वो होंगे पता नहीं, और शुरू कर लिए, और काफ़ी सारे लोग तो 4 बजे निकल गए थे आज। मैं लेकिन 4 बजने वाले थे तभी उठा था मैं, और मैंने भी फिर नहा धो के पूजा पाठ कर लिया, उठ जाओगे तो क्या करोगे आप, और 5:45 बजने वाले थे जब मैं भी निबट गया था, तो देखा कि 5 बजे तक लगभग और भी सारे लोग निकल गए। तो एक सज्जन थे बूढ़े, उन्हें छोड़ के, अब वो तो पता नहीं परिक्रमा में थे किसमें थे, तो दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी उनकी, तो उन्हें छोड़ के बाकी सारे लोग जा चुके थे। तो फिर 5:10 पर मैं भी निकल लिया। अब क्या किया जाएगा, अंधेरा ज़रूर है लेकिन रोड देखिए, ये रोड अच्छी खासी रोड बनी हुई है, डबल कंक्रीट का रोड बना हुआ है, तो आपको ऐसे कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन चूंकि मेरे पैर आज हड़ताल पर हैं तो मैं चला बहुत कम हूँ, 6-7 किलोमीटर ही चलाऊँगा शायद, और 7:31 हो रहा है अभी, नहीं तो इस वक्त तक मैं करीब 10 किलोमीटर चल लिया होता। और यूजुअली क्या होता है रोज़ाना कि 10-12 किलोमीटर तो शुरू में पैर कोई समस्या नहीं करते हैं, ब्रेक भी नहीं लोगे आप तो भी चलता है, बट यहाँ तो मुझे 5-6 किलोमीटर के बाद में ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे बैठना पड़ गया एक जगह 10-15 मिनट, और अभी मैं काफ़ी स्लो चल रहा हूँ। तो आज चलूँगा धीरे धीरे, यहाँ से पिछली जगह से मैं चेक किया था 13 पे था, यहाँ से 12 किलोमीटर और एक चलने पे एक जगह है, मैं सोच रहा हूँ दोपहर तक अगर वहाँ पहुँच पाऊँ तो अच्छा है, तो वहाँ पे दोपहर का भोजन हो जाए उसके बाद 7-8 कुछ भी चल पाऊँ तो ठीक है, तो जो रोज़ाना चलता था 25-30 किलोमीटर तो उतना ही हो जाए। कल तो ज़्यादा हुआ था, वो वन ऑफ था, ऐसा रोज़ नहीं कर सकते, आज तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए गंजे पहाड़ से धीरे धीरे उनमें हरियाली आ रही है इधर, फिर आगे फिर से पेड़ कम हो जा रहे हैं, और ये तो यही है, यही पहाड़ों के बीच से जा रहे हैं, और यही थोड़ी बहुत चढ़ाई उतराई होगी, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ से बता रहे थे कि 70-80 किलोमीटर के बाद में शायद किनारा फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। आगे देखिए एक सज्जन है, वो साइकिल से नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो साइकिल चला के जा रहे थे, अभी थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है तो वो उतर के साइकिल चलाने लगे हैं। और आज सूर्यदेव ने काफ़ी देरी कर ली है, पहाड़ के पीछे से आपको आते दिख रहे होंगे, मुझे लग रहा था कि थोड़े थोड़े बादल हैं तो उनकी वजह से वो नहीं निकले हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि बादल हो सकता है कारण हो या ना हो, पहाड़ की वजह से वो अब तक दिखाई नहीं दिए थे, तो अब जाके उनके दर्शन हो रहे हैं, तो अब वो निकलेंगे। पहाड़ों में क्या है, पहाड़ होते हैं तो वो दिखते दिखते थोड़ी देर हो जाती है। तो अभी मैंने मैप में देखा है तो ये जो जगह है ये भीलगांव के अपोजिट है, भीलगांव या बिलगांव आप जो भी कहिए, अगर आपको याद हो एक वीडियो में बताया था शायद ढाबरी से भीलगांव पहुँचे थे, उस दिन भी काफ़ी चला था 35-37 किलोमीटर, और भीलगांव ही वो जगह है जो कि आदिवासी बोर्डिंग स्कूल था लेकिन बहुत ही अस्त व्यस्त था, और वहाँ खाना बनाया था और बनाने की सामग्री भी नहीं मिली थी, तो ये महाराष्ट्र में था। तो उसके अपोजिट, तो मान लीजिए 5:05:10, तो अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें यहाँ से राइट साइड तो शायद 10 किलोमीटर के आसपास होगी। तो ये जो है जो टिपिकल बोल सकते हैं जो सूलपाणी था उसके अपोजिट साइड है ये, तो जो भी है जंगल झाड़ी वो यही है नो डाउट। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 50-60-70-80 किलोमीटर बाद ही किनारा दोबारा से मिलना शुरू हो जाना चाहिए, पानी के भराव जैसे उधर था उसके हिसाब से, पूरे किनारे पर रास्ता हो या ना हो लेकिन कम से कम बीच बीच में मैया का किनारा मिलना शुरू हो जाएगा ऐसा लगता है। चलिए अभी तो चला जाए,
धीरे धीरे, आज तो मैं काफ़ी धीरे धीरे चल रहा हूँ, ऐसे ही चलूँगा, जहाँ ज़्यादा लगेगा रेस्ट करूँगा, चलूँगा जितना भी चल पाऊँगा, और कोई टारगेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ रुक जाऊँगा, बस ऐसे ही होना है आज। तो एक सज्जन ने कमेंट करके बताया है, जो मैंने कैनाल दिखाई थी गुजरात में, जो काफ़ी बड़ी कैनाल बनाई थी सरदार सरोवर डैम से, कल या परसों के वीडियो में, तो मैंने बोला था कि पता नहीं ये कहाँ तक जाती है, तो एक सज्जन ने बताया है कमेंट में कि ये कच्छ तक जाती है। तो उधर कच्छ जो एरिया है, उधर पानी वगैरह कुछ नहीं था, बहुत समस्या थी, और इसका बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग किया गया। तो कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके, शॉर्टकट ना अपना के कि भाई ठीक है आज से 10 साल लगे 20 साल लगे, लेकिन जब वो काम कंप्लीट होगा तो लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसी अप्रोच लेके कुछ काम किए गए और धीरे धीरे फिर उसने रिजल्ट दिए हैं। गुजरात में कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी देखने में, यहाँ जो अच्छा लगता है बोलना चाहिए, यहाँ जो बुरा लगता है वो भी बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, चुप रहने से किसी का फ़ायदा नहीं होता। और एक और पता चला मुझे, एक हाफीश्वर महादेव मंदिर था, तो कवाड़ जो जगह थी कि क्या नाम था, कवांट शायद थी, तो कवांट से करीब 20 किलोमीटर, और पुराना हाफेश्वर मंदिर था वो तो डूब गया था, बता रहे हैं कि नया मंदिर बनाया है, और तो वो एक तरीके से पिकनिक स्पॉट की तरह डेवलप कर दिया है। तो डैम का बैक वाटर आता है उधर, तो बोटिंग वगैरह होती है और वो सब, तो घूमने के लिए काफ़ी लोग जाते हैं, परिक्रमा मार्ग पर नहीं है, कम से कम मुझे तो यही बताया गया कि उधर से रास्ता नहीं होता है, आपको वापस आना होता है। तो लेकिन अगर किसी के पास वक्त है, कोई एक्सप्लोर करना चाहे, तो जा सकते हैं, कर सकते हैं, और धार्मिक दृष्टि से भी ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके केवल पिकनिक मनाने के उसी पर्पज़ से बोल रहा हूँ, नहीं, आप धार्मिक उद्देश्य से जा सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप जा सकते हैं। मुझे तो देर से पता चला, नहीं तो शायद मैं भी सोचता जाने का, क्योंकि सेम रास्ते पर लौटना, तो मैं तो आपको बता चुका हूँ कि मैं ऐसे परिक्रमा खंडित नहीं मानता हूँ। तो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा था 20 किलोमीटर लौटना एक, लेकिन फिर भी, लेकिन मुझे जब पता चला तो मैं उस रास्ते से ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल चुका था। बाकी ये है कि कल से नेटवर्क नहीं मिल रहा है मोबाइल का उतना अच्छा, और रात में थोड़ा, रात में तो लगभग था ही नहीं नेटवर्क, पता नहीं क्यों। तो वीडियो कल के दो पार्ट हैं वो मैंने अपलोड होने लगाए रात भर में, तो हुए ही नहीं, 10-12% हुए थे, और अभी भी वो लगाए हुए हूँ मैं कंटिन्यूसली, तो 30-40% के आसपास ही है। तो जब कभी वो अपलोड हो जाएंगे और फिर उसके बाद जब मैं, मुझे टाइम मिलेगा तो टैगिंग करके उन्हें लाइव कर पाऊँगा, और चूँकि वो अपलोड हो रहे हैं कंटिन्यूसली, तो सिग्नल मिले या ना मिले सही, मोबाइल की बैटरी ज़रूर ड्रेन होती है। तो अगर ऐसे नेटवर्क बीच में सही नहीं मिलता, सारे दिन ऐसे ही चलता रहा, तो आई एम अफ्रेड कि बैटरी कहीं ड्रेन ना हो जाए पूरी। तो खैर जो भी है, होगा सो देखेंगे। ये देखिए इधर पानी थोड़ा सा ये आ रहा है कहीं से, नदी तो नहीं है, छोटी सी नहर टाइप की, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, नर्मदे हर बेटा। तो इसके बाद में एक अट्ठा करके जगह आने वाली है, और अट्ठा के बाद में आएगा उमरठ, उमरठ यहाँ से करीब 10-11 किलोमीटर और है। तो मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे अगर दोपहर तक भोजन तक वहाँ पहुँचा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो फिर ये है कि शाम को और उसके बाद एक दो घंटे ब्रेक लेने के बाद में 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे चला जाए, फिर कहीं रुक जाया जाएगा, कोई जगह हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि जगह के हिसाब से तो मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगा। तो यही है, तो अगर अट्ठा जल्दी आ गया तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा।
और बीच में तो ब्रेक तो बहुत लिए जाएंगे आज 10-11 किलोमीटर में, तो पता नहीं कितनी ब्रेक लेने वाला हूँ मैं, लेकिन दोपहर तक पहुँच जाऊँ तो काफ़ी है। ये है कोसरिया गांव। और जो ये अट्ठा आने वाला है, यहाँ से गांव मेरी जो लिस्ट थी मेरे पास उसमें भी मिलना शुरू हो रहा है, अट्ठा है उसमें। तो अट्ठा के पहले जो है, मुझे लगता है कि अगर मैं 60-70 किलोमीटर चलाऊं तो उसकी जगह उनकी लिस्ट के हिसाब से 20-30 किलोमीटर ही चले हैं वो लोग, जिसने भी ये लिस्ट बनाई है और जब भी बनाई है। तो रास्ता गांव वालों ने जो भी कारण से बंद कर दिए हों, लेकिन दूरी तो मुझे लगता है कि बचती है। एग्जैक्ट तो कितनी दूरी बचती है मैं वो लिस्ट में उनके हिसाब से काउंट करूँगा, और मैं कितना चला वहाँ से मैं अपना काउंट करूँगा, फिर आपको बताऊँगा एक वीडियो में। लेकिन जो है सो है, अभी तो फ़िलहाल आगे बढ़ा जाए। तो ये भगत रूल सिंह हैं, और ये देखिए अन्य क्षेत्र है, एक बीच में अन्य क्षेत्र मिला जो कि कहीं नाम था ही नहीं। तो ये चला रहे हैं, चाय वाय पिलाते हैं, दोपहर में भोजन भी कराते होंगे, यहाँ पर रुक भी सकते हो आप। टॉयलेट वॉयलेट बनी हुई है, पानी की पूरी व्यवस्था है। तो कुछ ऐसे मिल जाते हैं बीच बीच में। और ये बता रहे थे कि हर 5-7 किलोमीटर पे, 7-8 किलोमीटर पे अब जो है मध्य प्रदेश में आपको ये मिलेंगे आश्रम, ऐसा इनका बोलना है। तो ठीक है, नहीं भी मिलेंगे तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमारे तो मंदिर मिलना शुरू हो जाएं जो जगह जगह रास्ते में होती हैं। इधर क्या, रास्ते में अभी भी मंदिर नहीं है, ये पहाड़ी एरिया है। और वो बता रहे थे कि काफ़ी काम हुआ है इधर, रोड वोड बने हैं, बिजली समस्या, पानी, बोल रहे थे कि यहाँ के मुख्यमंत्री, देखिए उधर गुजरात में थे तो गुजरात की बात कर रहे थे, यहाँ हैं तो यहाँ की कराएंगे। तो बोले आवास योजना का बहुत लाभ मिला है इस क्षेत्र में, लगभग ये जो भी आपको दिखेंगे सब आवास योजना के अंतर्गत, बोले सबको घर दिए हैं, बनवाए हैं। तो लगभग बोले हर व्यक्ति जो था उसने इसका फ़ायदा लिया है, और मोटर वगैरह पानी के लिए कुएं खुदवाए हैं, मोटरों में मोटरें दी हैं उनने, ये बोला। अब फ्री में तो नहीं दी होंगी, सब्सिडी दी होगी शायद। तो रोड एक मेन चीज़ होती है। तो काफ़ी देखिए, कंक्रीट का रोड है, डामर का रोड क्या जल्दी उखड़ जाता है, कंक्रीट का नहीं उखड़ता है इतनी आसानी से। तो ये पूरा जब से हम चले हैं एमपी में, एंटर किए हैं, पूरा कंक्रीट का रोड चल रहा है। देखिए गुजरात से तुलना नहीं कर रहा हूँ मैं, गुजरात एक रिच स्टेट है, महाराष्ट्र रिच स्टेट है, एमपी में रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, बट सरकार की जो मूल काम होते हैं वो किए हैं या नहीं, कम से कम वो तो देखा जाना चाहिए। और सूल पानी के इधर हैं हम, सूल पानी के उधर थे हम, तो उधर एक रिच स्टेट था महाराष्ट्र, और ये नहीं है। लेकिन फिर भी अब बराबर दूरी पर है। मैं वैसे जैसे आपको बताया भील गाँव, अगर आप नर्मदा नदी को बीच में रख दें तो जितनी दूरी पर उधर भील गाँव है उतनी दूरी पर यहाँ पर ये आज मैं चल रहा हूँ। तो लगभग बराबर दूरी है, चैलेंजेस सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन वो बता रहे थे पहले इधर भी कच्चा रोड था, आगे पुलिया नाला थे, पुल नहीं बने थे, तो बोले इधर से निकल नहीं पाते थे लोग, इधर से भी नहीं था रास्ता, नहीं आते थे। बट आज देखिए, आपको देख के लगेगा ही नहीं कि कोई ऐसी समस्या है, आराम से जाते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, बसें जाती हैं। तो ऐसे ही हो सकता है कि जो सूल पानी उधर का जो देखा था कुछ साल बाद, वहाँ पर भी ऐसा ही हो। कहीं कहीं कुछ कुछ जगह तो रोड बनते भी देखे हमने, कुछ जो पहाड़ी एरिया थे वो रह गए होंगे तो उधर भी बन जाएंगे। तो हो सकता है आज से 2-3 साल बाद ही, या नहीं तो 4-5 साल बाद तो आपको पूरी तस्वीर बदली मिले, तो सूल पानी मिले ही ना जो कि हमने देखा है। क्योंकि हमने जो देखा वो हम देख ही नहीं पाए, क्योंकि आज से 5-10 साल पहले लोगों ने देखा है। तो तस्वीरें बदल जाती हैं, विकास होता है, अब विकास कहें जो भी कहें, लेकिन चेंज तो होता है और चेंज होना भी चाहिए। तो इसलिए अगर कोई पुरानी ऐसी चीज़ आप देख रहे हैं जो कि गलत है, जो कि समय के साथ बदलाव होना चाहिए, तो आपको उसके बारे में बोलना चाहिए। अगर एक कोई खास एरिया में आपको दिखता है कि बदलाव नहीं हो रहा है, जैसे कि टॉयलेट की बात तो मुझे बहुत बुरी लगती थी कि ये आज के टाइम में भी लोग बाग ये टॉयलेट नया तो बना नहीं रहे हैं, बना रहे हैं तो बंद कर दे रहे हैं, लोगों को बाहर भेज रहे हैं ज़बरदस्ती। ये तो बहुत ही
बेशर्मी की बात है, बहुत ही क्या बोलोगे आपसे। तो जो ये कर रहा है उसकी सोच देखिए आप, उसकी सोच क्या रही होगी, वो क्या सोचता है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा होगा, आप उसी से सोच सकते हैं। तो ऐसे लोग सेवा तो छोड़िए, सेवा तो उनकी, वो तो अपने जीवन में सेवा नहीं कर सकते। ऐसे लोग तो आश्रम चला रहे हैं तो केवल और केवल लालच ही एक कारण हो सकता है, बाकी तो कोई कारण हो ही नहीं सकता। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए, आज मेरी स्पीड बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिर भी मैं जल्दी निकला था तो 11 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। तो स्लो स्पीड के साथ भी हो सकता है 25 के आसपास कर लूँ मैं तो ठीक रहेगा, उतने पे मुझे कोई समस्या नहीं होगी। ये चूँकि थोड़ा सा ऊंचा एरिया है तो हवा चल रही है अभी भी, तो हल्की सी ठंडक है इस वक्त भी, जबकि 9:05 हो रहे हैं। नहीं तो इस टाइम क्या होता है कि तेज़ धूप लगती है बहुत, आज धूप में भी तेज़ी नहीं है, थोड़े थोड़े बदल हैं। कोशिश तो मेरी यही है, अगर अट्टा में ठीक लगा मुझे तो उसके आगे जाने की जगह मैं वहीं 1-2 घंटे रुक के कपड़े धुल के डालूंगा। कपड़े नहीं धुले हैं आज भी, अगर नहीं धुल पाए शाम को तो फिर समस्या हो जाएगी। तो आज ही कोशिश की जाएगी, अगर दोपहर में क्या है कि आराम से जगह मिल जाती है, लोग बाग यूज कम करते हैं बाथरूम का, तो आप अपने काम कर सकते हैं। दोस्तों जब मैं बोल रहा था, अगर मैं बोलता हूँ जैसे कि भाई इधर काम हुआ है या नहीं, तो मैं कोई तुलना नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई राजनीतिक ये मतलब है। देखिए यहाँ तो 3 स्टेट से मैं निकला हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तीनों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई इधर लोग बता रहे थे कि मकान पे काफ़ी काम हुआ है, देखिए आपको इधर बने हुए दिखेंगे, ये बनते हुए दिखेंगे, तो आवास योजना में मिले हैं तो वो दिख रहा है, तो क्यों नहीं महाराष्ट्र गुजरात में काम हुआ भाई, उधर में देखा जो रूरल एरिया में, तो वहाँ तो मुझे बहुत झोपड़ी मिले, तो वहाँ पर भी, तो जहाँ तक मुझे याद है ये जो योजना है ये तो प्रधानमंत्री की है, तो फिर इसमें गलत क्या है बोलने में। और दूसरा जो मेरा मतलब था वो ये था कि ये एरिया जो था वो सूलपाणी का ही एरिया था पहले, झाड़ी का, और यहाँ से जो मेन हाईवे जाता है अलीराजपुर होके, जो हमें शुरू में बताया था रास्ता, पहले लोग उधर से निकल जाया करते थे इसकी अपेक्षा, जैसे कि उधर बड़वानी से सीधे रोड से आ जाते थे सूलपाणी की अपेक्षा। तो यहाँ पर ये बन गया है, कई लोगों को अभी भी पता नहीं है, तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, रोड बने हैं, पुल वगैरह बने हैं, ये सारे तो अभी देखिए आपको ये नज़र ही नहीं आएगा कि ये ही सूलपाणी झाड़ी थी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं देखा है बीच में, तो काफ़ी बदलाव हो जाता है। तो यही एक मतलब था कहने का कि देखिए समय के साथ अगर नीयत अच्छी हो तो बदलाव भी होते हैं। तो कल एक बाबा जी परसों रुके थे जहाँ, तो चित्रकूट साइड के उधर के एक दल था बाबा जी का, ग्रुप 5 या 6 लोग थे वो। तो एक बाबा जी बोले परिक्रमा कर रहे हैं अब तो, बोले मुक्ति मिल जाएगी। मैं सोचा बाबा जी अच्छी बात कर रहे हैं, तो मैं सुनने लगा ध्यान से। तो फिर वो बोले कि देखो क्या जीवन है, बोले बचपन से भटक रहा है इधर से उधर, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये कोई जीवन है बोले। और उन्होंने वही उदाहरण दिया जो कई लोग देते हैं, बोले देखो बड़े बड़े पैसे वालों के, बोले कुत्ते, बोले जीवन तो उनका है, बोले कुत्ते का भी जन्म मिला तो ऐसी जगह मिले। तो मैंने कहा बाबा जी तो क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, बोले यही चाहते हैं कि अब जन्म मिले अगला तो बोले ऐसा मिले कि बढ़िया मिले, अच्छे पैसे वाले के यहाँ मिले, ये सब सब सुख सुविधाएं हूँ। तो फिर मैं कुछ नहीं बोला। तो अब वो मुझे समझ में आ गया कि वो बाय चॉइस नहीं, मजबूरी के बाबा जी बने होंगे। अब भाई मुक्ति मोक्ष, देखिए अपन कोई ज्ञान वाली बात तो करेंगे नहीं, अपन कोई ज्ञानी पंडित नहीं है कि कोई क्या परिभाषा है, क्या लिखा है, कैसे होना चाहिए, नहीं, वो अपने अपने रास्ते ढूंढ लो भाई।
मैं तो बात करने वाला हूँ कि कैसे लोग बाग चक्रव्यूह से निकलना ही नहीं चाहते हैं एक्चुअल में, और क्यों होता है ये कि कैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन को ट्रेन कर दिया जाता है ऐसी चीज़ मानने के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो है ही नहीं। और इसका मैं उदाहरण दूंगा कॉरपोरेट वर्ल्ड का। एक तो जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं, कंपनीज में काम करते हैं, फैक्ट्री वगैरह में नहीं, वो उनकी यूनियन वगैरह होती हैं और अपने लॉ भी चलती हैं कुछ, लेकिन प्राइवेट जो एम्प्लॉयज़ हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के, चाहे वो आईटी के हो या दूसरे सेक्टर के भी हो, मार्केटिंग वगैरह के भी होंगे, तो वो समझेंगे इस चीज़ को। और लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं, ये वीडियो तो ऑलरेडी हो गया होगा 15-20 मिनट का, और जब तक मैं ख़त्म करूँगा तो फिर ज़्यादा बड़ी में प्रॉब्लम आती है। तो मे बी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी, या फिर कल के में। दस बजकर 38 मिनट हो गया है और आगे जो है कौन सी जगह थी वहाँ पे एक अन्य क्षेत्र है 4 किलोमीटर आगे, तो मैं वहाँ जाने की सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके भोजन किया जाए और अगर व्यवस्था देखी तो कपड़े भी धुल लिए जाएं। अब थोड़ा वक्त ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं अपने जो पैर जो हैं जो हड़ताल पे गए हुए हैं आज, उन्हें घसीट रहा हूँ धीरे 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 धीरे, तो इसलिए वक्त तो लगेगा। हो सकता है वहाँ पहुँचते पहुँचते 12 भी बज जाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितने भी बजेंगे। आज तो जितना भी हो जाए ठीक है, भोजन के बाद में थोड़ा विश्राम करके और फिर निकलूँगा ऐसे ही धीरे 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 धीरे। कोई टारगेट नहीं है, कोई जगह निर्धारित नहीं रहेगी, 5 बजे के बाद कहीं पर टिक लिया जाएगा, चाहे मंदिर हो, चाहे किसी के घर के बाहर हो, या कहीं भी हो। चलिए भाई देखते हैं, एक बीच में मंदिर दिखा रहा है, अगर मंदिर हुआ तो वहाँ पे फिर रुकूंगा मैं, थोड़ा विश्राम करूँगा। तो 11 बज गए और धूप आज जो है वो निष्क्रिय है, उसका असर नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि काफ़ी तेज़ हवा चल रही है इधर और हवा में ठंडक भी है, तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो ये कि हम अब ठंडक वाले एरिया में प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ठंड तो होगी, ये समुद्र के आसपास थे, इधर थे, इधर कम ठंडी पड़ती होगी शायद। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ऊंचाई पर हैं, क्योंकि धीरे धीरे सड़क से हम चढ़े तो हैं, तो ऊंचाई पर तो आ गया हूँ मैं, तो एक वो कारण हो सकता है। क्योंकि सुबह जहाँ रुके थे भाई वहाँ तो इतना सर्दी नहीं लगी मुझे, और सुबह नहाया भी था, तो नहाने में तो ठीक है, बोरिंग थी तो उनने मोटर चला दी थी, तो बढ़िया गर्म पानी लग रहा था। लेकिन ऐसा कोई ख़ास सर्दी फील नहीं हुई है, सर्दी तो अभी तक एक ही जगह फील हुई थी, जो लग रहा था कि उस दिन से कि भाई समस्या हो गई उंगलियों में पैरों में, और वो था शायद नरखड़ी, जो नलेश्वर महादेव मंदिर थे था जहाँ पे नल नील ने तपस्या की थी ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति के लिए, तो वहाँ से आगे गया था खेतों के रास्ते से। उस दिन ज़रूर सुबह सुबह थोड़ी ठंड लगी थी, उंगलियाँ बिल्कुल जाम हो रही थी पकड़े में, डंडा पकड़े में, और पैरों की उंगलियों में भी प्रॉब्लम आ रही थी, पैरों में प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके बाद से तो इधर आते गए तो नहीं लगी है, तो वो तो एक ट्रेलर ही था, 15 डिग्री तापमान ही था शायद, या हो सकता है मेजरमेंट सही नहीं हो, थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री और इधर उधर हो सकता है। लेकिन जब अब सर्दी वाला एरिया आएगा, रात में तापमान कई जगह शायद 3-4 डिग्री भी जाएगा, जाता है अब पता नहीं परिक्रमा वाले पाथ पर जाता है कि नहीं, तो 6-7 वाला भी मिला तो भी काफ़ी सर्दी होगी, सर्दी तो रहेगी भाई,
सर्दी का मौसम ही आ रहा है तो सर्दी क्यों नहीं रहेगी। खैर अभी तो चलिए धीरे 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 चला जाए। अभी मैं लगभग 1.5 किलोमीटर चल लिया हूँ, 3 किलोमीटर के आसपास और चलना है मुझे, तब भोजन मिलेंगे। अब भूख लगने लगी है क्योंकि वक्त तो हो रहा है, मेरी स्पीड कम है तो क्या, वक्त तो अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। तो ये रास्ते में एक देवी की प्रतिमा है और गूगल मैप पर लिखा है प्राचीन वासुदेवी माँ मंदिर, जय मैया। ये पत्थर के बगल में है, मैया जय हो मैया। और एक दो टपरे लगे हुए हैं यहाँ, बिस्किट पुड़िया पाउच वाउच सिगरेट पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं वो, पूजा सामग्री ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, पेट्रोल डीजल बिक रहा है। तो दोस्तों जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती। ये जो टपरा सा दिखा अभी आपको, तो ये वो माता, जो माता की मूर्ति है उसके सामने दो टपरे हैं और आदिवासी महिलाएं चलाती हैं। तो उनके पास छोटा सा खेत है, उसमें वो बाजरा कर लेते हैं घर में खाने के लिए, हो जाती है। और बाकी फिर यहाँ पर ये दुकान लगाए हुए हैं, दुकान में कुछ भी नहीं है, थोड़े से नारियल रखे थे और बिमल जो ये होती है पाउच जो खाते हैं लोग बाग आजकल तंबाकू वाला, वो था और शायद थोड़ा पेट्रोल डीजल कुछ रखा हुआ था। चाय बनाते हैं और तो कभी कोई आ जाता है तो उससे, तो बोले इससे थोड़ा बहुत पैसा आता है तो बोले बच्चों की पढ़ाई के लिए है। तो यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते होंगे, देख के ही लग रहा है, तो वो करती हैं। और कुल मिला के लाइफ हर किसी के लिए एक सी नहीं होती, सबके अलग अलग चैलेंज होते हैं। मैं वहीं ईंटें रखी हुई थी तो उस पर बैठ गया था मैं वहाँ, क्योंकि मैं तो थकावट हो ही गई थी। पहले मैं सोच रहा था मंदिर होगा तो करूँगा, लेकिन वो मंदिर ऐसा कोई जगह थी ही नहीं, मंदिर तो पेड़ के नीचे वो मूर्ति रखी हुई है मंदिर की। तो फिर मैं वहाँ बैठ गया पूछ के, तो बस फिर मैंने एक दो सवाल पूछे आदतानुसार। ये देखिए पहाड़, ये जो पहाड़ हैं आपको उधर भी पहाड़ की रेंज दिखेगी और बाई और भी पहाड़ हैं, तो ये पहाड़ तो वही हैं, सूल पानी ही है, ये कुछ नहीं है, एक ही रेंज है पहाड़ की, केवल बीच में मैया है। तो मैया जा रही हैं, डैम बन गया तो उनका जल का भराव जो है वो बढ़ गया, तो वही पहाड़ हैं, वही रहन सहन है, नर्मदे हर बेटा, वही कल्चर है आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, बस अंतर तो पड़ा है इधर का, देख के लगता है कि विकास हुआ है फिर भी। और घर के मामले में तो बहुत पक्का हाउस जो स्कीम जो थी वो, इसमें बहुत ही बोलना पड़ेगा मुझे कि बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है इस एरिया में सरकार ने, और लगभग हर घर पक्का बना दिया है उनने। तो फिर रोड बन जाती है तो कनेक्टिविटी हो जाती है तो और कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो पहले अगर उधर से तुलना करेंगे तो लाइफ फिर भी काफ़ी अच्छी है इधर के लोगों की, काफ़ी चीज़ें बदली हैं और बदलेंगी। वो पूरा ये जो है ये जंगल ही है और यही वो झाड़ियाँ हैं, और इवन जो मेरी लिस्ट में भी जो जंगल लिखा हुआ था तो वो जंगल वो यही एरिया चल रहा है अब। वो लिस्ट का भी जो है जगह हैं जो अट्ठा जो निकला है पिछली बार, तो वहाँ से वो सेम ही रास्ता हो गया है। तो यही रास्ता है या फिर आप हाईवे से जा सकते हैं, तो ये वो हाईवे नहीं है, वो हाईवे अलग है, वो निकल गया साइड से, कल मैंने रास्ता बदला था तो ये अलग आ गया है। तो ये कच्चा रास्ता ही जंगल का रास्ता है, लेकिन रास्ता बन गया अब तो रोड है, बस यही अंतर है। और जंगल में पहाड़ भी हैं, देखिए आपको दिख ही रहे होंगे इधर उधर। ये देखिए बच्चे एक टीले पे बैठ के खेल रहे हैं। इधर एक चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी है, वो है बच्चों के खेलने के लिए अनलिमिटेड जगह, जगह ही जगह है,
आप जिधर मर्जी आप उधर खेलिए, पहाड़ पर, चोटी पर, गहराई में, घाटी में, जहाँ मर्जी, रोड पर भी खेलिए। रोड पर भी इतने वाहन नहीं आते हैं, ये रोड का मेन पर्पस शायद परिक्रमा मार्ग के कारण ही था, मुझे तो यही बताया गया है, पता नहीं। फिर सरकार तो देखिए सारी चीज़ें सोच के करती है काम। तो खेलने के हिसाब से बच्चों की लाइफ बड़ी अच्छी है भाई, इधर खुल के खेलते हैं वो, खूब खेलते हैं वो, जगह ही जगह है, कोई रोक टोक नहीं है खेलने के लिए। ये देखिए वैली व्यू, लेकिन आप अगर इधर से निकलेंगे तो आप अपनी परेशानी भूल जाएंगे और उनके बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि कैसे, क्या उनके लिए कुछ किया जा सकता है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो ये आपको इस तरीके से तो हेल्प करेगी ही कि आपको लगने लगेगा कि दुनिया में परेशानियाँ बहुत हैं, आपकी परेशानी शायद कुछ भी नहीं है। व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन आज ये कभी कभी हेज थोड़ा ये ब्लू ब्लू सा रहता है, उसके कारण दिखता नहीं है। आज वही है, मौसम वैसा ही है, नहीं तो यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिखता। मौसम अच्छा है लेकिन आज का, हवा चल रही है और हवा पे ठंडक है। तो अभी भी 12 बजने जा रहा है, लेकिन गर्मी नहीं लग रही है। बैग टांग के भी चल रहा हूँ तो भी मुझे आज पसीना नहीं आ रहा है कम से कम, तो अच्छा है आज के लिए, तो अच्छा है कम से कम। लेकिन अगर रात में ठंडी लगती है तो वो अलग मैटर है, देखा जाएगा। ये व्यूज ही हैं जो भी हिल स्टेशन जाते हैं लोग देखने, मौसम और नज़ारे। तो ये नज़ारे यहाँ आपको मिलेंगे देखने। मैया की यात्रा में सब मिलता है। तो ये जगह है उमरठ और ये लिखा है अनुच्छेद, तो मैं जा रहा हूँ और यहीं भोजन करूँगा। अगर भोजन मिलेंगे, अगर बनाने का हुआ तो बनाना पड़ेगा, थका हूँ तो उसके लिए फिर थोड़ा इंतज़ार करूँगा विश्राम करके। और समय 12:08 हो रहा है और मैं करीब 20 किलोमीटर चल चुका हूँ आज। मैं कल से 1 घंटे पहले निकला था आज, और कल से बाद में उससे कम दूरी पहुँचा हूँ। और कारण सीधे सा यही है कि अगर आपके पैर हड़ताल पर हों तो फिर तो आप धीरे धीरे ही उनसे काम ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई ख़ास अपडेट करने को नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली आज का वीडियो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर